हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में जो कि 0 से 6 मंथ तक के होते हैं उनमें मिल्क एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे सिचुएशन में हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को लेकर जब बच्चे का दूध गले में अटक जाता है और वो बहुत ज़्यादा वॉमिट करने लगता है, बहुत ज़्यादा कफिंग करने लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? अपने बच्चे को बहुत ज़ोर ज़ोर से थपथपाना नहीं है, आपको बच्चे को नॉर्मल आपको साइड लेकर बच्चे को लेटा देना है। यानी अगर बच्चा स्ट्रेट लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, तो उसको थोड़ी सी साइड करा दें, साइड से लेटा दें और उसकी पीठ पर, उसके बम साइड से ऊपर गर्दन तक हल्के हल्के पैट करें पीठ पे धीरे। जैसे सपोज बच्चे की जो बम है और ये बच्चे की नेक है, तो आपको धीरे 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 इस तरीके से बच्चे को पैट करना है। मोस्टली हम क्या करते हैं, जब भी बच्चे को दूध का ठसका लगता है, दूध गले में फंस जाता है, बच्चा कफिंग करता है, तो हम बच्चे को कंधे पर लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से टपटपाने लगते हैं, तो वो रॉन्ग है। ऐसे में कभी कभी दूध है बच्चे के जो फेफड़े हैं वहाँ जाकर बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जब भी बच्चे के गले में दूध फंस जाए तो आप बच्चे को हमेशा करवट लटाकर उसको नीचे से ऊपर तक पीठ पर धीरे धीरे पैट करें, थोड़ी देर बाद बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।